हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल सोनू 24 एमएम। मैं राहुल सिंह आनिया। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जेएसएससी क्लर्क रिक्वायरमेंट 2022 के बारे में। दोस्तों बताना चाहूंगा कि काफी एक यूनिक वैकेंसी निकल कर सामने आ रही झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से। दोस्तों आपको बताना चाहूंगा कि कुल जो है 991 क्लर्क और स्टेनोग्राफर की पदों पर ये वैकेंसी होने वाली है। दोस्तों आगे हम आपको बताना चाहूंगा कि इस वैकेंसी रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर हम बात करने वाले हैं। दोस्तों इससे पहले आपको बताना चाहूंगा कि यदि आप एक स्टूडेंट हैं तो आपको हमारा यूट्यूब चैनल सोना 24 एम को सब्सक्राइब कर लेनी चाहिए, क्योंकि हम आपके लिए लेटेस्ट जॉब इन्फॉर्मेशन लाते रहते हैं। दोस्तों यहां से आपको काफी मदद मिल सकता है अपनी करियर लेकर के। तो आइए हम दोस्तों बिना समय गवाए हम चलते हैं सीधा टॉपिक के ऊपर। बताना चाहूंगा दोस्तों कि जेएसएससी क्लर्क रिक्वायरमेंट 2022 में दोस्तों एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है। तो बताना चाहूंगा कि मैट्रिक पास इंटर पास अभ्यर्थी जो है दोस्तों इस फॉर्म को आवेदन कर सकते हैं। अगर आप मैट्रिक और इंटर पास हैं तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। दोस्तों आगे हम बात करते हैं पोस्ट डिटेल्स की। आपको बताना चाहूंगा दोस्तों कुल 991 पोस्ट पे ये वैकेंसी होने वाली है। क्लर्क का जो है 964 पोस्ट पे ये वैकेंसी होने वाली है दोस्तों, और एस्टेनोग्राफर की 27 पोस्ट पे ये वैकेंसी होने वाली है। आगे हम बात करते हैं दोस्तों इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। बताना चाहूंगा दोस्तों कि नौकरी मतलब ऑनलाइन आवेदन प्रारंभिक होने की जो तिथि है दोस्तों 28/5/2022 है दोस्तों, और ऑनलाइन आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है 19/6/2022 से पहले पहले आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। दोस्तों आपको बताना चाहूंगा कि आवेदन फॉर्म में जो है एडिटिंग की जो तारीख है वो 3 जुलाई से 5 जुलाई तक आप इसको आप कर पाएंगे। दोस्तों आगे हम आपको बताना चाहूंगा एज लिमिट के बारे में। तो बताना चाहूंगा दोस्तों उम्मीदवार की अधिकतम उम्र जो है 40 वर्ष के अंदर होनी चाहिए। और दोस्तों अधिक जानकारी के लिए दोस्तों आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन जरूर देखें। दोस्तों आप डिस्प्ले के ऊपर देख पा रहे हैं दोस्तों, हम ओवरव्यू आपको जो है इस फॉर्म से रिलेटेड ओवरव्यू आपको दिखाने का कोशिश कर रहा हूं। दोस्तों आगे हम बात करते हैं दोस्तों सिलेक्शन प्रोसेस की। तो बताना चाहूंगा दोस्तों कि इसमें जो है मुख्य परीक्षा और टाइपिंग टेस्ट मेरिट लिस्ट के आधार पर दोस्तों आपकी सिलेक्शन किया जाएगा। जेएसएससी क्लर्क वैकेंसीज में दोस्तों सिलेक्शन प्रोसेस ये रखा गया है। दोस्तों आगे हम बात करते हैं सैलरी के बारे में। दोस्तों आपको बताना चाहूंगा कि वेतनमान जो है 15,600 से लेकर के 39,100 रुपये प्रति माह रहने वाला है। दोस्तों जेएसएससी क्लर्क जॉब्स में दोस्तों इस सैलरी का प्रोविजन रखा गया है। आगे हम आपको बताना चाहूंगा दोस्तों कि काफ़ी एक यूनिक वैकेंसी है झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से। दोस्तों आगे हम बात करते हैं दोस्तों कि आप इस फॉर्म को जो है कैसे अप्लाई करेंगे। तो ऑनलाइन माध्यम से आप जो है इस फॉर्म को आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से अप्लाई कर पाएंगे दोस्तों। और आगे हम बात करते हैं दोस्तों एप्लीकेशन फी की। बताना चाहूंगा कि जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस उम्मीदवार के लिए दोस्तों 100 रुपीज़ लगने वाले हैं, और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी उम्मीदवार को दोस्तों 50 रुपये आवेदन शुल्क लगने वाले दोस्तों। और आगे हम बात करते हैं दोस्तों आपको बताना चाहूंगा कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम इनका ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक दे दूंगा दोस्तों, चाहे तो आप वहां से भी विजिट कर सकते हैं। काफ़ी एक यूनिक वैकेंसी दोस्तों। इससे पहले आपको बताना चाहूंगा दोस्तों कि यदि आप एक स्टूडेंट हैं तो आपको हमारा यूट्यूब चैनल सोना 24 एम को सब्सक्राइब कर लेनी चाहिए, क्योंकि हम आपके लिए लेटेस्ट जॉब सूचना लाते रहते हैं। दोस्तों यहां से आपको काफ़ी मदद मिल सकता है अपनी करियर लेकर के। तो मिलते हैं एक और इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।